ऐसे नहीं का मैंने कहा होगा इतने का। सो कल का जैसे आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी सुबह सुबह को ऑलमोस्ट 8-10 जैसे हुआ है, पर अभी इतना गर्मी है तो आप लोग सोचे पूरा दिन में कितना गर्मी होगा। सो हाय माय यूट्यूब फैन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड आई रियली होप सो एवरीवन इज़ डूइंग टोटली फाइन। सो अभी मैं अपना सिस्टर के घर पर घुसा था कुछ मैगी वगैरह खाने के लिए, एंड एक्चुअली ब्रेकफास्ट मेरा सुबह पर ज़्यादा होता नहीं है। सो आज थोड़ा सुबह ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, एंड आज सोनारी जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा वहाँ पर हम लोग को बहुत ज़रूरी मीटिंग है तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए, एंड वहाँ पर जाके मैं बताऊँगा आप लोगों को मतलब आज का मीटिंग किस बारे में होगा, सो उसका रीज़न क्या होगा। सो अभी सब मेरा ब्रो सब वहीं पर आने वाला है एंड वहीं पर जाके मीट करेंगे। मैं हूँ अपना ब्रो का घर लक्ष्मण ग्वालाउद्दीन में, आप लोग को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं इतना दूर से आता हूँ फिर भी मैं हमेशा सबसे पहले रहता हूँ, ये सब एक एक करके घर से उठाओ मीटिंग के लिए, सबको लेके जाओ हमेशा लेट। चंदन ब्रो अभी तक नहीं आया है, पता नहीं वो कब आएगा, एंड हम लोग को थोड़ा लेट भी हो रहा है। सभी ब्रो का घर पे है एंड उसके बाद हम लोग जहाँ पर हम लोग का मीटिंग है एंड वहाँ पर जाएंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न आज के मीटिंग में, क्या होगा क्या नहीं, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होगा, जस्ट जो उद्देश्य है मैं वही आप लोगों को शेयर करूँगा। सो अभी मैं तिनालीबम आया था, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मीटिंग है बोल के। सो जो हम लोग का मीटिंग था सब खत्म हो गया, अभी सब मेरा अनिल ब्रो चंदन ब्रो सब अभी जितना भी फ्रेंड आया था सब अभी सबका घर चला गया, बट जो तिनालीबम का मैं चाहने वाले हैं सब मुझको आज जाने ही नहीं दिया। जो भगीरथ ब्रो वो भी जाने के लिए नहीं दिया, बोला कि आज यहीं पर रह जाओ। सो कल एक्चुअली हम लोग का जो प्रोग्राम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, सो हमको जाने नहीं दिया, काफ़ी लाख का थोड़ा मेरा डिस्टेंस भी होता है, सो दैट इज हमको जाने नहीं दिया। सो आज मैं यहीं पर रहने वाला हूँ एंड जो कल का प्रोग्राम है मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज कल हमका जो प्रोग्राम वो आपको कल बताऊंगा, बिकॉज कुछ बात हम लोग का लाइफ में सस्पेंस रहना चाहिए, व्हाट आई पर्सनली थिंक इन माय लाइफ। सो आप लोग जैसे मुझको सपोर्ट करते हैं ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, एंड जो कल का प्रोग्राम है वो इन्जॉय करने के लिए मत भूलिएगा। एंड इसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को थोड़ा दिन में बताता हूँ, मतलब जो प्रिपरेशन हम क्या क्या प्रिपरेशन करने वाला है क्या करने। सो अभी हम लोग जा रहे हैं टीओ घाट, हम लोग को प्ले कार्ड बनाना है, इधर है अमर ब्रो एंड यहाँ का रास्ता काफ़ी ख़राब है यार, बहुत ख़राब है क्या बोले, मतलब यदि आपको स्टोमक पेन है देन आपको क्या बोले, मतलब स्टोमक आपको मेडिसिन लेके घूमना पड़ेगा, मेडिसिन लेके घूमना पड़ेगा एंड आपको मेडिकल जाके आराम करना पड़ेगा। मतलब यदि आप सीरियस है ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे यहाँ पर, मतलब ऐसे बैठ के पीछे बैठने से ज़्यादा तकलीफ होता है। यदि बुलेट ब्रो का बुलेट था उस दिन मैंने चलाया था, बट क्या हुआ मतलब बुलेट में तो फील नहीं होता है, बट यदि आप स्कूटी पे रहते थे ना कोई ज़्यादा फील होता है, मतलब जो गड्ढा है वो ज़्यादा फील होता है, नीचे में बहुत पेन होता है, हाँ नीचे में ज़्यादा पेन होता है, तो वही, बट कोई नहीं यार, स्लोली स्लोली होगा, हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव स्टार्टेड द आशा संगठन, गोइंग टू गिव अवर फुल फेथ इन दिस, दैट्स व्हाट आई वांट टू से टू यू। चलो वहाँ पर जाके मिलते हैं एंड हम लोग कैसे क्या बनाना है वहाँ पर जाके मैं आप लोगों को बताऊँगा। सो अभी हम लोग आए थे प्ले कार्ड बनाने के लिए, सो मुझको पकौड़ी एंड जो चना सब है काफ़ी पसंद आता है, सो ब्रो ने आज हमको पकौड़ी खिला रहा है, इधर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लगता है मेरा लाइफ में, मैं कहीं पर भी जाता हूँ मतलब खाना लंच या डिनर होगा कि नहीं होगा पर फुचका एंड जब पकौड़ी हमको मिल जाए देन हमको कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज काफ़ी मेरा लाइफ में दूसरा तो कुछ मुझको एडिक्टेड नहीं है, सो जो भी एडिक्टेड हूँ पकौड़ी से ही ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। एंड अभी काफ़ी रात भी होने वाला है, सो पकौड़ी खाने के बाद हम लोग का जो बैनर अभी बनाना है जो प्ले कार्ड बनाने में भी जाना है, हाँ प्ले कार्ड भी बनाना है, सो खाना पहले खा लेते हैं उसके बाद जो काम करना है वो करेंगे एंड उसके बाद हम लोग को घर जाना है एंड थोड़ा हम लोग का मीटिंग भी है, पर्सनल डिस्कशन थाने में भी घुसना है ना, हाँ थाना में भी घुसना है, कल का जो हम लोग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग कल जो करने वाले तो उसके लिए परमिशन भी लेना है, बिकॉज सभी कोरोना वायरस का सिचुएशन है, सो परमिशन लेना काफ़ी प्रोजन है एंड पास में ही पुलिस स्टेशन है, सो दैट इज रीजन परमिशन तो लेना पड़ेगा एंड अभी प्ले कार्ड बनाते हैं। सो अभी हम लोग का एक्चुअली सब बनाया हो गया, अभी काफ़ी अभी मतलब काफ़ी बाकी है बनाने के लिए, सो इधर पे मतलब कल जो हम लोग का मतलब मीटिंग है, सो मीटिंग का कुछ उद्देश्य जो हम लोग बनाए हैं, तो इधर आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत उल्टा ऑपोजिट दिख रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर लिखा हुआ है नो एसपी में,
एंड आशा लॉन्ग लाइफ जो हमारा कम्युनिटी के लिए है। एंड अभी अभी बना रहे नो क्या था उसमें अवर बर्थ राइट, तो मतलब हाँ आसामीस में भी लिखा हुआ है जो मुझको पढ़ने के लिए नहीं आता है। सहबगीचा हम हाई स्कूल स्थापन करो, स्थापन करो मतलब स्कूल का एजुकेशन के लिए, हाँ एजुकेशन के लिए भी है। एंड जो हम लोग कल का जो उद्देश्य है सो इसी का विषय में रहने वाला है। सो मतलब कल मैं आप लोग को बताऊंगा जो हम लोग का जब होगा, जब मीटिंग होगा तब बताने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड अभी जस्ट मैं हम लोग को मतलब जो कल का प्रोग्राम का जस्ट हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है अभी फिलहाल। सो इधर है नो एसटी नो वोट, नो एसटी नो वोट, सो जस्ट फॉर आवर कम्युनिटी, जैसे हम लोग कम्युनिटी के लिए जो कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है जस्ट मैं आप लोग बोल रहा हूँ मतलब कल हम लोग क्या करने वाले हैं। सो उस विषय में आप लोगों को मतलब थोड़ा सा कुछ मतलब थीम दे रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं बताइए कि कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट मतलब थोड़ा सा आप लोगों को थीम दे रहा हूँ मतलब आपको पता चलेगा कि कल का हम लोग प्रोग्राम क्या होने वाला है। सो इस वीडियो को तो आप लोग कल देखेंगे, देन कल का जो होगा वो लोग आप लोग परसों देखेंगे। सो अभी इसको बनाना हो गया एंड अभी घर जा लेते हैं, घर जाना है बिकॉज काफ़ी रात हो गया, रोड को भी आप लोगों को व्यू दे नहीं पाऊँगा। सो इधर है ब्रो, उस दिन डिब्रूगढ़ पे बंद हो गया था ब्रो का मतलब खाने का तो इश्यूज था एंड गेस्टिक का प्रॉब्लम था ना, हाँ गेस्टिक का प्रॉब्लम था, तो इसलिए आप लोग भी मतलब थोड़ा अपना हेल्थ का थोड़ा कंसंट्रेशन कीजिए एंड हेल्थ का थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखिए बिकॉज ये जो गेस्टिक जो है मतलब आपको कब क्या कर देगा, स्टोमक का ज़्यादा प्रॉब्लम होगा डायरेक्ट डिब्रूगढ़ ब्रो का जैसे हो जाएगा। सो थोड़ा मतलब आपके हेल्थ को थोड़ा मेंटेन कीजिए ना ब्रो, हेल्थ को मेंटेन कीजिए। एंड अभी रोड का व्यू आप लोगों को मैं दे नहीं पाऊँगा, सो डायरेक्ट घर में जाके मिलता हूँ मैं आप लोगों से। अभी ऑलमोस्ट टाइम हुआ है 1:30 एंड कल का जो हम लोग का प्रोग्राम है जो हम लोग का फर्स्ट प्रोटेस्ट जो है हम लोग का एसटी को लेके, सो एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्सियल हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न मैं आप लोगों को कल का जो फुल इंटायर जो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको दिखा नहीं पाऊँगा, बट लाइव स्टाइल ब्लॉगिंग में आप लोगों को मतलब ये तो बता सकता हूँ कि हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये सब तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ, तो इसमें जब कॉन्ट्रोवर्सी तो कुछ होता भी नहीं है एंड कोई कर भी बोल भी नहीं सकता कि भाई आप कॉन्ट्रोवर्सी कर रहे हो, सो इसे कोई बोल नहीं सकता। तो दैट इज मतलब कल का जो हम लोग का प्रोटेस्ट होगा वो दिखा नहीं पाऊँगा, बट हम लोग अभी क्या क्या कर रहे थे वो आपको थोड़ा ब्रो बताने वाला। इधर है यू कैन सी आशा लॉन्ग लिव नो एसटी नो वोट, नो एसटी नो वोट या मतलब ये सब मिरर के चलते मतलब अपोजिट दिख रहा है मतलब, हाँ सो थोड़ा उल्टा दिखा रहा है, बट यही मतलब अभी से हम लोग कल का जो प्रिपरेशन है हम लोग उसी का हम लोग का प्लानिंग चल रहे हैं। हमने इधर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है आपको? लिखा हुआ कि जो हम लोग का टी गार्डन में वर्कर है ना, हाँ, उसको मिल रहा है 170 रुपीज़ मिल रहा है पर डे मिल रहा है, हाँ तो उसको चाहिए 350 मतलब पर डे। सो मतलब यही मतलब जो कल का हम लोग का डिस्कशन होगा एंड जो प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे मतलब इस विषय को लेके करेंगे कि एसटी के बारे में एंड जो 350 जो मतलब गार्डन को देना चाहिए मतलब सरकार के तरफ से एंड जो टी गार्डन के तरफ से, तो मतलब उसी का हम लोग कल प्रोटेस्ट होने वाला है। सो वो उसका मतलब हम लोग पर्टिकुलर एक वीडियो बनाएंगे मतलब एक वीडियो फोटो जो है कि नहीं जो हम लोग व्हाट्सअप पे मतलब वायरल करेंगे या जो फेसबुक पे होगा, बट मैं चैनल पे तो दे नहीं पाऊँगा। सो मतलब कल का जो प्रिपरेशन है सो वही हम लोग का प्रिपरेशन चल रहा है आज का मतलब या कल का प्रिपरेशन जो हम लोग का मीटिंग है सो उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। अभी मैं ब्रो अभी तक लगा हुआ हूँ, पता नहीं थोड़ा टायर्ड है कसम से, नींद तो आ रहा है बट या बट समाज के लिए हम लोग कहते कुछ करना है देन डेफिनेटली थोड़ा अपना लाइफ को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एंड जो अपना टाइम है बिकॉज हम सब है कि नहीं अपना फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं बट समाज के लिए हम लोग कहते कुछ करके जाएंगे देन डेफिनेटली हम लोग जब हाँ हम लोग इस दुनिया पर रहे या ना रहे हम लोग के बारे में थोड़ा कोई बातचीत होगा। जैसे महात्मा गांधी ने हम लोग के लिए कुछ करके गया एंड अभी भी हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, वो महात्मा गांधी इस दुनिया पर है नहीं फिर भी, तो दैट इज़ द रीज़न समाज के लिए यदि आप लोग कुछ करने को मिलता है देन आप लोगों को थोड़ा भी अपना टाइम जो है देना चाहिए। व्हाट आई पर्सनली थिंक, व्हाट यू थिंक ब्रो? यस डेफिनेटली हम लोग को देना चाहिए। सो आज का वीडियो को यहीं शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। सो इफ़ यू इन्जॉय दिस ब्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक एंड फॉलो ब्रो ऑल्सो एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। कल का जो ब्लॉग होगा वो मतलब बिहाइंड द सीन को थोड़ा शूट करेंगे हम लोग, प्रोटेस्ट को शूट नहीं करेंगे, तो बिहाइंड द जो सीन होगा जो हम लोग का इंजॉयमेंट होगा सबके साथ जो मतलब हम लोग फालतू करेंगे सो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इंटरटेनमेंट हाँ इंटरटेनमेंट ब्लॉग पे आएगा, जो प्रोटेस्ट का जो वीडियो होगा वो हम लोग फेसबुक पे आएगा, फेसबुक में आएगा, उसका मैं अलग से एडिटिंग करूँगा, ये भी अलग से एडिटिंग करूँगा। ओके देन बाय, गुड नाइट। अभी हम लोग का
टू ओ क्लॉक होने वाला अभी गुड नाइट हो रहा है, थोड़ा देर सो लेंगे, उसके बाद कल 6 बजे भी हम लोग को उठना है एंड जो कल का इंजॉयमेंट है मतलब जो प्रोटेस्ट है वो सब करना है। ओके देन बाय, गुड नाइट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग लास्ट।